नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर एंड वो कैप्स में। मैं आपका दोस्त, आपका साथी शुभम, और आज अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 19 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हमारा पहला सवाल है, निम्न में से किस फुटबॉलर को हाल ही में दिल्ली में फुटबॉल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुनील छेत्री जी को। सुनील छेत्री जो है, जैसा आपको मालूम है, ये भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, और सुनील छेत्री जी ने दिल्ली से भारत, मतलब कि पहले जो हैं फुटबॉल रत्न से सम्मानित इनको किया गया है। ये भारत की ओर से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक गोल करने वाले दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल किसने मारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो सुनील छेत्री जी हैं जो है भारत में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसे जो है 83 नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप में महिला एकल का खिताब जीत लिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सानिया नेहवाल। सानिया नेहवाल ने जो है 83वां नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप का महिला एकल का खिताब जीत लिया है, और इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने पीवी सिंधु को हरा कर ये चैम्पियनशिप जीत ली है, और सानिया नेहवाल ने जो है चौथी बार ये किताब जो है अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपके दो सवाल ऐसे आते हैं कि किसने जीता, तो ये है सानिया नेहवाल ने जीता। ठीक है, किसको हराया, तो ये पीवी सिंधु को हराया। ठीक है, और ये अगर पूछे कि हुआ कहाँ था ये चैम्पियनशिप का आयोजन, तो गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, असम के गुवाहाटी में ये आयोजन किया गया था। ठीक है, इसी तरह पुरुष एकल का जो किताब है वो सौरभ वर्मा ने जीता था, और उन्होंने हराया था लक्ष्य सेन को हरा कर तीसरी बार ये जो है किताब जीत लिया। सौरभ वर्मा ने जो है लगातार तीसरी बार ये किताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से चार पांच क्वेश्चन जैसे बनते हैं कि महिला एकल में कौन जीता, सानिया नेहवाल ने जीता पीवी सिंधु को हराकर। ठीक है, और पुरुष एकल में जो है सौरभ वर्मा ने लक्ष्य सेन को हराकर जीता है, और ये चैम्पियनशिप हुआ कहाँ था, तो असम के गुवाहाटी में चैम्पियनशिप हुई थी। ठीक है, ये देख लीजिए, सानिया नेहवाल तस्वीर में आपको दिख जाएंगी, और ये जो अपने सौरभ वर्मा है, ये सौरभ वर्मा आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 18 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2016 के लिए निम्न में से किसे टैगोर सद्भाव पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जो टैगोर सद्भाव पुरस्कार है वो 2016 के लिए दिया गया, ऑप्शन सी, रामवंजी सुतार को। ठीक है, अभी रामवंजी सुतार कौन है, तो आपको मालूम होगा कि गुजरात में जो फेमस जो सरदार पटेल जी की मूर्ति बनी है, तो उसके जो शिल्पकार हैं वो रामवंजी सुतार हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ 2016 के लिए नहीं मिला ये पुरस्कार, ये 2014 से लेकर सारे साल के लिए मिला है। तो 2014 के लिए देख लीजिए, राजकुमार सिंहजीत सिंह को मिला है। 2015 के लिए जो है बांग्लादेश के सांस्कृतिक संगठन छाया नट को मिला है, और 2016 के लिए रामवंजी सुतार को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो राजकुमार सिंहजीत सिंह कौन है भाई, तो वो जो है उनको मणिपुरी नृत्य के लिए सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सम्मान दिया गया। तो मणिपुरी नृत्य करते थे ये राजकुमार सिंहजीत सिंह। ठीक है, और रामवंजी सुतार का आपको बता ही दिया कि गुजरात में जो है सरदार पटेल की जो सबसे ऊँची मूर्ति है उसके जो शिल्पकार यही थे, तो जो डिज़ाइन है उन्होंने इन्होंने दिया है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, 18 फरवरी को दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोलकाता। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, यही पूछेगा कि दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना है वो कहाँ हुई थी, आयोजन कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी को हाल में ही कतर ओपन चैम्पियंस का खिताब जीत लिया? तो कतर ओपन चैम्पियंस अभी अभी ख़त्म हुई है, कल ही समाप्त हुई है, तो इसके जो विजेता हैं वो है ऑप्शन सी, एलिस मर्टेंस ने। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, एलिस मर्टेंस का जो तस्वीर है ये आपको दिख रही होगी फ़ोटो, और एलिस मर्टेंस ने जो है सिमोना हेलेप को हराया। तो ठीक है, तो पूछेगा इन्होंने किसको हराया था, तो इन्होंने सिमोना हेलेप को हरा कर कतर ओपन चैम्पियनशिप का खिताब जीत लिया है। ठीक है, एलिस मर्टिन्स कहाँ की, तो बेल्जियम की ये खिलाड़ी हैं, और ये जो इनकी रैंकिंग है दुनिया में
इक्कीसवें नंबर की रैंकिंग है। अब आप देख लीजिए कि इनका जो रैंकिंग है वो इक्कीसवें रैंकिंग की है, ठीक है। और जो सिलोमोना हैरप है इनकी जो रैंकिंग है वो है दुनिया में तीसरे नंबर की रैंकिंग है, तो ये इनके लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। और अब बेल्जियम का आया है, तो बेल्जियम की राजधानी देख लीजिए ब्रसेल्स है, और बेल्जियम की जो मुद्रा है वो यूरो। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हाल में ही इन्फोसिस द्वारा इंजीनियरिंग छात्रों को शिक्षित करने के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये है ऑप्शन बी इन्फीटीक्यू, ठीक है। ये इन्फी टी और क्यू है, ठीक है। जैसा कि आपको ये लिखा हुआ है इन्फी टी क्यू नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया गया है, ठीक है। किसने किया है? तो इन्फोसिस ने किया है। किसके लिए किया है? तो इंजीनियरिंग छात्रों को शिक्षित करने के लिए किया गया है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा तकनीकी और पेशेवर कौशल प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और ये पूछा गया इंजीनियरिंग कॉलेज में किस साल के विद्यार्थियों के लिए, तो तीसरे और चौथे वर्ष के इंजीनियरिंग के सभी छात्रों के लिए ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। अब जैसा होता क्या, आप लोग जानते होंगे कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में काफ़ी प्रेशर आ जाता है बच्चों को, और वो लोग जैसे जॉब की टेंशन और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स की टेंशन से, तो वो लोग की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उनको भी इनकरेज करना ज़रूरी होता है। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है इन्फीटीक्यू, तो उसके मदद से जो है इनको तकनीकी और पेशेवर जो है कौशल प्रदान किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आते हैं अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल में ही भारत ने पाकिस्तान से आने वाली वस्तुओं पर कितने प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने का फैसला किया है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 200% लगाने का फैसला किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है अरुण जेटली जी ने, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान से ये फैसला लिया कि पाकिस्तान से जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है वो वापस ले लिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था और कई जवान हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद से उम्मीद लगाई जा रही थी कि कठोर कदम उठाया जाएगा। तो अब जो है इकोनॉमिकली जो प्रेशर बनाया जाता है वो उसकी शुरुआत हो गई है। तो भारत जो पाकिस्तान से आयात होने वाली वस्तुओं पर 200% सीमा शुल्क लगाने का फैसला किया है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? तो पाकिस्तान की जो वस्तुएं जो आयात होती हैं उसका मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो जैसे पाकिस्तान से जो है हम लोग अधिक मात्रा में ड्राई फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, चमड़े का सामान आता है, तो ये सब जो है इनका जो है मूल्य जो है बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। आठवां सवाल है हमारा जो, हाल में ही भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फैज़ल इस्माइल, ठीक है। फैज़ल इस्माइल जो है भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं, इनको जो है दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस का निर्देशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब फैज़ल इस्माइल है कौन? तो ये जो है विश्व व्यापार संगठन के राजदूत रह चुके हैं और व्यापार एवं उद्योग मंत्री के वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं, ठीक है। इस्माइल जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं प्रशासन आयोग में वर्ष 2015 से 2018 तक अध्यक्ष भी रहे हैं, और इनको जो है 2023 तक के लिए फिर से इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये इस पद पर बने रहेंगे और जो है इस जो नेशनल मंडेला स्कूल है, स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस, इसका जो है निर्देशक पद भी संभालेंगे। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं ये हमारे फैज़ल इस्माइल हैं, भारतीय मूल के निवासी हैं ये। तो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर क्रिस गेल ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आप लोगों को ज़रूर मालूम होगा ये जो क्रिस गेल हैं वो हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है। तो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर जो हैं क्रिस गेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं, क्रिस गेल की तस्वीर है। तस्वीर इसलिए दिखाते हैं कि आपको जो है दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और आप जो है इसको जल्दी ना भूलें, और जैसे आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको जल्दी मालूम हो जाएगा, और एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो तस्वीर के माध्यम से आपके दिमाग में छप जाता है वो चीज़, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं क्रिस गेल, ठीक है, सभी को मालूम हुआ। आईपीएल में भी खेलते हैं, बैंगलोर की तरफ से मैच खेलते हैं, पिछला सीज़न जो है उन्होंने पंजाब की तरफ से खेला था।
ठीक है। तो ये जो 30 मई 2019 को इंग्लैंड की मेजबानी में जो होने वाला आईसीसी विश्व कप उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा, तो उन्होंने संन्यास ले लिया और कहा है कि जो विश्व कप है आने वाला, आप देखिए विश्व कप कहाँ खेला जाएगा, तो इंग्लैंड में खेला जाएगा, तो ये जो है उनका करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा, ठीक है। और क्रिस गेल जो है वनडे करियर में वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं, ठीक है। और ये वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले एकमात्र कैरेबियाई खिलाड़ी के रूप में इनका नाम दर्ज है। तो आते हैं हमारे आखिरी सवाल के ऊपर, और आखिरी सवाल है आज का। हाल ही में सेव द चिल्ड्रेन इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में युद्ध के कारण हर साल कितने बच्चों की मौत हो जाती है? तो युद्ध के कारण जो है दुनिया भर में 1 लाख बच्चों की मौत हो जाती है लगभग। तो ये ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, 1 लाख बच्चों की मौत हर साल हो जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो देखिए 2013 से 2017 के बीच में जो युद्ध की वजह से लगभग 5,50,000 बच्चों की मृत्यु हो गई है। तो ये जो है लगभग हर साल जो है 1 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि जो सिविल वार होती रहती है हर देश में, जैसे अभी अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट जो है अफगानिस्तान की आई है, अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है युद्ध के वजह से। तो जो सिविल वार चलती है उसके वजह से जो है सिविलियंस को भी जो है उनको नुकसान उठाना पड़ता है, जो बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है इसमें। तो ये जो है सेव द चिल्ड्रेन इंटरनेशनल जो है उन्होंने रिपोर्ट ये जारी किया था। तो ये रहा आज का वीडियो, यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो चैनल को बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।